बोर्ड परीक्षा 2023 में मैट्रिक में जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं वो ये तीन काम करके बोर्ड परीक्षा में सारे विश्व में 99% अंक ला सकते हैं। और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर इस तरीके को अप्लाई कर लेते हैं ना तो बाबू आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। अब कैसे क्या करना, वो कौन सा तीन तरीका है, उसको जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिए। देखिए पहला काम क्या करना मैट्रिक वाले बच्चे को कि बाबू आपके पास जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर विषय का, भले वो इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव हो, दो नंबरिया हो, पांच नंबरिया हो, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला काम आपका यही होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों का भैया हम रिवीजन करें। क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का मतलब होता है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न आपके लड़ेंगे। तो आपके पास इंपॉर्टेंट प्रश्न यदि या ऑफलाइन आपको मिला है चाहे ऑनलाइन कोई टीचर आपको इंपॉर्टेंट दिया है, तो भैया आपका पहला फर्ज बनता है कि जिस भी विषय का आपके पास इंपॉर्टेंट प्रश्न उसका रिवीजन करें। और मैं तो यही कहूंगा कि हर विषय का इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पास होना चाहिए और उन सभी का पहले रिवीजन करिए। वहां से 50-70% क्वेश्चन आपके सेम टू सेम लड़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट का मतलब आप समझ ही सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला काम इंपॉर्टेंट प्रश्न का जितना जितना दिन भी टाइम बचा ना खूब रिवीजन करें, ठीक है ना, ताकि सारे प्रश्न जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपके दिमाग में बैठे रहे। और दूसरा काम आपको करना है कि PYQ का रिवीजन करना है। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब होता है कि जो पुराने एग्जाम हो चुके हैं उन सभी का क्वेश्चन पेपर है। जैसे मान लो 2023 में एग्जाम होने वाला है तो 2022 से लेकर पीछे जितना भी एग्जाम हुआ है कम से कम 10 साल 15 साल पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए और ध्यान दीजिए, उनका रिवीजन करिए। इसके फायदे क्या है कि देखिए आप जैसे इसको आप अनुमान भी लगा कर देखिएगा कि 2022 का क्वेश्चन पेपर उठाइए और 10-15 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। देखिए 10-15 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारे उसका अधिकांश क्वेश्चन 2022 में मिल जाएगा। यानी जो क्वेश्चन पेपर तैयार होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पेपर को मिलाकर ही तैयार होते हैं। अगर आप 15 साल 20 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सिर्फ रिवीजन कर लेते हैं ना तो गारंटी ठोकते हैं कि 80% प्रश्न आपका सेम वहीं से लड़ जाएगा। इसलिए कम से कम पहला आपका काम होना चाहिए कि कम से कम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 15 साल 20 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करें। यदि आपके पास नहीं इकट्ठा हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक लेकर उसका रिवीजन करें, तो आप इंटरनेट पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि 10-15 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का PDF, तो वहां पर आपको PDF दे देगा, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दो काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन, ठीक है ना, और तीसरा काम आपको राइटिंग सुंदर करना है। अगर आपका पूरा तैयारी है और एग्जाम में आप सुंदर तरीके से जवाब नहीं दे पाते प्रश्नों का तो बाबू यही काम करना कि राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, नंबर आपका नहीं मिलेगा। क्लास 10 वाले बच्चे को अधिकतर मैं देखा हूं बच्चों को, क्योंकि ऑफलाइन हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो कई बच्चों कई क्या मतलब 100% में 80% वाले बच्चे जो मैट्रिक में होते हैं ना उनका राइटिंग सुंदर नहीं होता है। तो बाबू ऐसे बच्चे टॉपर नहीं बन पाएंगे, इसलिए टॉपर बनने के लिए राइटिंग आपका बेटर होना चाहिए। बेटर होगा तभी रिजल्ट आपका बेटर आएगा, ठीक है। तो बस तीन काम, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन, PYQ का रिवीजन, अपनी राइटिंग को सुंदर कर लीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर करिए। यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं या मुझसे बातें करना चाहते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।